चर्चा करते हैं। हाँ, अपनी ही चर्चा करते हैं, अपने ही देश की चर्चा कर रहे हैं, अपने ही असंख्य प्रदेशों की चर्चा कर रहे हैं, वही तिरंगे की चर्चा कर रहे हैं जिसमें रत्नत्रय सुशोभित हो रहा है। आचार्य देव कहते हैं कि तुम बाहर में विकल्प करते हो, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ऐसा करने से, विकल्प मात्र करने से बाह्य की व्यवस्थाएं कभी बदलती नहीं है। क्या आपके विकल्पों के अनुसार बाह्य की व्यवस्थाएं बदलती हैं? नहीं बदलती, किंतु अंदर की व्यवस्था बिगड़ती जरूर है। विकल्प जितना करोगे, बाहर की व्यवस्थाएं तुम्हारे विकल्पों के अनुसार बनने वाली नहीं है, ना बदलने वाली है, लेकिन तुम्हारे भीतर की व्यवस्था जरूर बिगड़ेगी। जो स्वभाव सन्मुख होने की दशा है, उससे बहुत दूर होते चले जाओगे। इसीलिए आचार्य कहते हैं, सब विकल्प छोड़ो कि ये पर्याय कैसी मिली, कैसे छूटेगी, बड़ी मुश्किल से मिली, यहाँ तक भी विचार कर लेते, बड़ी मुश्किल से ये पर्याय मिली है, इसके लिए मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कहीं छूट तो नहीं जाएगी, कहीं मरण का समय जल्दी तो नहीं आ जाएगा, कोरोना वापस से फिर से चालू हो गया है, न जाने क्या होने वाला है। इस सारे विकल्पों में ना उलझ करके कि पर्याय कहीं छूट तो नहीं जाएगी, कहीं मिट तो नहीं जाएगी, ये सारे विकल्प न करते हुए आचार्य कहते हैं, ये पर्याय सो मैं नहीं, ऐसा भेद विज्ञान ही श्रेयस्कर है। सारे दुखों का निदान मास्टर की, जिससे हर दुख समस्या मिट जाती हैं, वो यही है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान ही एक मास्टर की है, जिसके माध्यम से तरह तरह के, हर तरह के जो दुख हमने विकल्प से शुरू किए हैं, इकट्ठे किए हैं, वो सारे के सारे दुख धराशायी हो जाते हैं। जैसे ही भेद विज्ञान होता है, सारे दुख तिरोहित हो जाते हैं, क्योंकि दुख था ही नहीं, मैंने मान लिया था, तो ये कैसे होगा, कब होगा। ये सारे विकल्प पर्याय के हटाने के लिए बस एक ही सूत्र काफी है कि ये पर्याय सो मैं नहीं, जो मैं हूं सो ये पर्याय नहीं, मैं तो एक शाश्वत द्रव्य हूं। जिस दिन से ये जान लिया, मान लिया, श्रद्धान कर लिया, सारे दुख तिरोहित हो गए। जाग जाए तो फिर दुख को बांटने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि जागृत हो गए, अब दुख है ही कहाँ, ये तो सिर्फ मान्यता में था। बहुत अद्भुत चीजें हमारे आचार्य भगवंतों ने कही हैं, और कल आपने यहाँ पर ये गाथा सुनी थी। क्या कहते हैं, पहली गाथा में ही कह करके आए थे, वो छामी समय पाहुर, मैं समय प्राप्त को कहूंगा, ऐसा कहा था, मैं समय प्राभ्रत को कहूंगा। लिख रहे हैं ग्रंथ और क्या कह रहे हैं, मैं कहूंगा, अद्भुत चीज है। लिखना चाहिए था ना कि मैं लिख रहा हूं ऐसा, लेकिन उन्होंने लिखा मैं कहूंगा, क्योंकि कहने में सीधी बात सुनी जाती है। अगर मैंने लिखा होता तो आप पढ़ेंगे, क्या पता पढ़ेंगे भी या नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कह रहे हैं तो सुनने के लिए तैयार है। इस तरह की बात करते हुए तम एयत विहतम दाए, हम दाए हम दाए हम, क्या कह रहे हैं, कितनी मीठी मधुर भाषा में, तम उसको 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 किसको, नाम लो ना, नाम नहीं लेता, उसका विशेषण बता देता है, नाम नहीं लेता। जैसे कि स्त्रियां अपने प्रिय नाथ के, प्राण नाथ का कभी नाम नहीं लेती है, नहीं लेती है, पुरानी महिला कभी नाम नहीं लेती, उनके प्राण नाथ हुआ करते थे, हृदय के देवता हुआ करते थे, वो कभी नाम नहीं लेती थी, कहती थी तम तम, उनको 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 बुला लो, अब उनको तो सभी सर्वनाम है, या तो सब सबके ही आ सकते हैं, किसको बुलाए, उनको बुला लो, तो लोग भी समझ जाते थे। नहीं समझते कदाचित कोई, तो बड़े संतान के नाम पर बुला लेते थे, उनको बुला लो, फिर भी अचरज में पड़ जाते थे कि दो नाम कहाँ से आ गए, बेटा तो एक है, दूसरा नाम कहाँ से आ गया। फिर कहते हैं कि बच्चों के पिताजी को बुला लो, तब उनको, जो प्रिय होता है उसका नाम नहीं लिया जाता, उसके विशेषणों से उसको पुकारा जाता है। कहा जाता था
कि महिला अगर नारी अपने पति का नाम ले तो उसकी उतनी ही उम्र घट जाती है। थी कहीं कुछ ऐसी ही किंवदंती चल पड़ी थी, तो महिलाएं कभी नाम नहीं लेती थी। अगर किसी ने ऐसे ही कहा हो तो भी उसको सच मान करके कि मेरे स्वामी की कहीं उम्र कम ना हो जाए, ऐसा पुरानी स्त्रियों के भीतर में इतना पातिव्रत्य था, इतना ही पति के प्रति उनका सम्मान था। आज तो लेने लगे हैं, हाँ ज्यादा से ज्यादा यार तो जाने का। क्या शब्द डाला कुंद कुंद स्वामी ने, तम तम उनको उसको, उनको कहूंगा उसको कहूंगा। किसको? वो एकत्व विभक्त कौन है? वह आत्मा है ना, हाँ। नाम नहीं लिया, तम एयत्व विभक्तम दाइम, उसी को दिखाऊंगा दिखाऊंगा। आपने कहा ना कि वह एकत्व विभक्त आत्मा दुनिया में लोक में सबसे सुंदर है और इसकी कथा भी बहुत बहुत दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। काम भोग बंद की कथाएं तो बहुत सुलभ है, लेकिन उस एकत्व आत्मा की कथा बहुत दुर्लभ है। सुनाओ ना हे माँ जिनवाणी, वो कथा सुनाओ। माँ सुनाओ वो किसकी? आत्मा की कहानी है। हाँ बहुत सुंदर पंक्तियाँ, बहुत समय पहले लिखी थी, आचार्य भगवान के चरणों में जब पहुंचे थे तब। जिसमें अध्यात्म की हो, जिसमें आत्म निजात्म की हो कहानी, हाँ जिसमें एक शुद्ध आत्म तत्व की कहानी है, माँ वही कहानी सुनाओ मुझे। तो राजा रानी की कहानी नहीं सुनना, वो तो अनंत बार सुनी है माँ, औरों की क्या कहानी सुनना, मैं तो अपनी कहानी सुनना चाहता हूँ। औरों की कहानी में तो कहानी, क यानी आत्मा की, हानि हानि ही हानि है, कहानी है, क यानी आत्मा होता है, आत्मा की हानि ही हानि है। औरों की कहानी क्या सुने, मुझे तो अपनी क यानी आत्मा की कहानी सुनना है। माँ जिनवाणी कहती है दाएं हम दिखाऊंगा, कहूंगा नहीं कह रहे हैं अब यहाँ पर, पहले कहा था कहूंगा पहली गाथा में, अब कह रहे दाएं हम दिखाऊंगा, और करीब की बात है, दिखा रहा हूं ना, दिखा रहे हैं। लेकिन कैसे दिखाओगे, हथेली पर रख करके दिखाओगे क्या? आत्मा ऐसी होती है, हमें तो ऐसा ही दिखा दो जिससे बच्चों को जिद करे कि ये हाथी हमें चाहिए, हमको चाहिए हाथी। अब हाथी कैसे दे दे तुम्हें, चलो हाथी वाले से कान में बात करके कह दिया कि फिर ये हाथी को हमारे यहाँ पर बाड़े में बांध दो, बच्चा खुश हो जाएगा कि हाथी अपने घर पे आ गया है, थोड़ी देर बाद दो भाई पैसा दे देंगे तुम्हें, बांध दिया। अब बच्चा तो जिद पे है, वो कहता मेरे जेब में ही हाथी, तो बड़ा मुश्किल है। अरे भाई जेब में कैसे हाथी भरेंगे, नामुमकिन है। उसी प्रकार से आपने कहा दाई हम दिखाऊंगा 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 दिखाऊंगा, कैसे दिखाओगे? एक दिन की बात है, राजा ने मंत्री से पूछा आज देर से क्यों आए हो, क्या वजह है, इतनी देर क्यों की तुमने? तो मंत्री कहता है राजन क्षमा कीजिएगा, आज प्रभु भक्ति में समय का पता ही नहीं चला और मैं इतना डूब गया कि आज देर हो गई, क्षमा कीजिएगा। तब राजा ने कहा प्रभु, प्रभु की भक्ति, अरे प्रभु है कहाँ, कहाँ है प्रभु, दिखाओ मुझे तब तो मैं जानूं और तुम्हें क्षमा करूं, कहाँ है प्रभु? तब उन्होंने सोचा मंत्री ने कि राजन थोड़ा सा वक्त दिया जाए मुझे, प्रभु को दिखाने के लिए तो समय चाहिए, एकदम कैसे दिखा दो, कई भाव बीत जाते हैं प्रभु को देखने के लिए, आपको कैसे दिखा दो मैं। चलो ठीक है तुम्हें दो दिन का वक्त दिया, लेकिन तुम्हें प्रभु को दिखाना होगा वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, ऐसी झूठी झूठी बातें बहाने बना करके तुम देर से आते हो, कहाँ है प्रभु जिसके तुम भक्ति करते हो, मैं देखना चाहता हूँ। घर आकर के बड़ा टेंशन में, कैसे दिखाऊं कहाँ है प्रभु और कैसे दिखा दूं मैं, क्योंकि देखने की चीज तो है ही नहीं, ये तो अनुभव की चीज है, प्रभु दिखते नहीं है, प्रभु
दिखते नहीं हैं, देखनहारा इनका अनुभव करता है। जिस दिन दिख जाएंगे तो फिर दिखाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, मतलब केवल ज्ञानी हो जाएंगे। केवल ज्ञान किए बिना भगवान दिखते नहीं हैं, साक्षात्करण नहीं हो सकता। और जब केवल ज्ञान हो गया तो दुनिया को दिखाने का भाव ही खत्म हो जाएगा। तो वो बहुत टेंशन में आ गए। पास में बैठा था बालक, उसने कहा, पिताश्री आप आज इतने दुखी क्यों हैं, क्यों विकल्प में पड़े हैं? छोटा सा बालक, अभी 8 साल का बालक था, लेकिन बड़ा ही बुद्धिमान बालक। उसने पिता को देखा, भापा कि पिता आज विकल्प में है, जब से रात दरबार से आए बड़े टेंशन में है। पिताश्री आप क्यों इतने विकल्प में है? बेटा आज बात ही ऐसी हो गई है, अगर मैं इसका जवाब नहीं दे पाया तो राजा मुझे माफ नहीं करेगा, माफ नहीं किया पता नहीं वो मुझे फांसी की सजा तक दे सकता है। पिताश्री इतनी छोटी सी बात भगवान दिखाना है ना, मैं दिखा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के रहिएगा, बिल्कुल विकल्प ना करिए, मैं हूं ना आपका बेटा। पिता सोचता है मैं खुद जवाब नहीं दे पाया, 8 साल का बच्चा क्या जवाब देगा। लेकिन उसने पिता को बिल्कुल निश्चिंत कर दिया और कहा, आप राजसभा में नहीं जाएंगे, मैं अकेला जाऊंगा। पिता को बड़ा विकल्प था, क्या करेगा, लेकिन उनके पास में कोई जवाब ही नहीं था, करते तो क्या करते। बेटा चला गया राज दरबार में, ठीक समय पर पहुंचा। राजा ने पूछा, तुम्हारे पिताश्री कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा, बच्चे ने कहा कि पिताश्री के स्थान पर मैं आया हूँ, प्रभु को देखना है ना आपको, मैं आया हूँ दिखाने के लिए, मैं आया हूँ जवाब लेकर के। ठीक है, अच्छी बात है, राजा को तो विश्वास है जरा सा बच्चा क्या जवाब देगा। पूछा, हाँ बताओ राजन, आप भी इतने बड़े राजा हैं, कम से कम एक अतिथि का सत्कार तो कीजिए, छोटा सा बच्चा आपके दरबार में आया है, क्या ऐसे सत्कार करते हैं? कोई समाधान लेकर के आया आपके सामने, क्या उसका आप ऐसे सत्कार ऐसे सम्मान करते हैं? अपने दरबारियों से कहिए हमारा सम्मान करें, बच्चा हो तो क्या, समाधान लेकर के आया हूँ, मेरा सम्मान करें। और बच्चे को क्या चाहिए? राजा ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें, खेल खिलौने मांग लेगा और क्या चाहिएगा उसे, तो तरह तरह के खिलौने देने लगे। उसने कहा, मैं खिलौने नहीं खेलता राजन, बच्चों को तो खाने पीने के लिए चाहिए, और खाने पीने में बच्चों को तो दूध ही प्यारा होता है, आप तो मुझे कटोरे में दूध दे दीजिए। एक कटोरे में दूध लाया गया, बच्चे ने उंगली फेरी, राजन हे सम्राट बताइए इस दूध में क्या है? दूध में क्या है? इलायची डली है, शक्कर डली है, और थोड़ी सी बादाम डली है। तुम्हारे सेहत अच्छी हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी काम करे, तुम अच्छे से समाधान दे सको, इसके लिए बादाम भी हमने डलवा दिए, और क्या है? नहीं नहीं राजन, ये तो आपने डाली है ऊपर से, वो तो बच्चा भी बता देगा कि इसमें ये डला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस दूध में क्या है? दूध में क्या है? दूध में तो और कुछ है ही नहीं। तो एक बार राजन कहिएगा कि आप हार गए, फिर मैं बताऊंगा। छोटा सा बच्चा, बच्चे की तो हर बात वैसे भी माफ हो जाती है, बड़े लोगों की माफ नहीं होती है। तो बच्चे ने कहा, आप कहिए राजन, आप नहीं बता सकते तो मैं बताऊंगा। ठीक है बताओ, क्या कहना चाहते हो? राजन इस दूध के अंदर घृत भी है, इस दूध के अंदर घृत भी है, घी है, घी है इसके अंदर, घी है। जब भी आप घी खाते हैं ना, तो दूध से निकला हुआ ही घी खाते हैं ना? हाँ वो तो है, पर क्या दूध में घी दिखता है? मुझे नहीं दिखता, लेकिन जब भी घी निकलता है तो दूध से ही घी निकलता है ना। बस राजन यही आपके प्रश्न का जवाब है। पाषाणेषु यथा हेम दुग्धमध्ये यथा घृतम् तिल मध्ये यथा तैलम् देह मध्ये यथा शिवः। वाह, जैसे राजन पाषाण में
स्वर्ण छिपा हुआ है। कोई खदान से सोना नहीं निकलता, स्वर्ण पाषाण निकलता है, लेकिन उसकी प्रोसेस की जाती है। जब वो करते हैं तो उसमें से स्वर्ण निकल करके बाहर आ जाता है और कित्त काली माँ अलग हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से दूध के अंदर प्रोसेस करके उसका घी तैयार किया जाता है तो वहाँ अन्य चीजें अलग हो जाती हैं और घृत अलग निकल करके आ जाता है। भक्तावर प्रणाम सार्थक हो जाए। बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ बाहर में भटकना अटकना इस जीव को बहुत आसान लगता है, लेकिन अपने उपयोग को शांत करके सूक्ष्म करके अपने भीतर की यात्रा करना बहुत कठिन लगता है। पर कठिन कार्य है तो क्या कभी नहीं करोगे? भाई पैसा कमाना कोई आसान नहीं है, बहुत कठिन है, फिर भी कमाते हो क्या? नहीं कहते हैं ना, आप लोग सुनाते हो अपनी घरवाली को कि कितना पसीना टपकाना पड़ता तब कहीं पैसा आता है, क्या समझती हो तुम? बहुत मुश्किल है। सबसे सरल कार्य अगर कोई है तो निज आत्मतत्व की अनुभूति है, लेकिन सरल को बहुत कठिन बना दिया है। कैसे बना दिया है आगे की श्रृंखला में हम सुनेंगे।